सबसे पहले रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सिरसा से खबर, जहां सम्राट बूथ सम्मेलन में अशोक तंवर पहुंचे हैं। हुड्डा की परिवर्तन रैली पर भी अशोक तंवर की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ये अनुशासनहीनता है, तंवर ने कहा है। हाईकमान को इस बयान से अवगत कराया जाएगा और ये जो गतिविधि हुई इसकी जानकारी हाईकमान तक पहुंचाई जाएगी। कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, अक्टूबर में जनता जवाब देगी, ये तंवर ने कहा है। हुड्डा द्वारा की गई घोषणाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं और साथ ही मैनिफेस्टो पार्टी का होता है, व्यक्ति विशेष का नहीं, इस बात का जिक्र अशोक तंवर ने किया। सिरसा से बेहद खास खबर, सम्राट बूथ सम्मेलन में पहुंचे अशोक तंवर, जहां पर हुड्डा की परिवर्तन रैली पर अशोक तंवर की तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि इसे अनुशासनहीनता माना जा रहा है, यह अनुशासनहीनता है और हाईकमान को इस बारे में अवगत कराया जाएगा। अमित तिवारी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या अभी तक जानकारी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल शुभेंदु, अगर बात की जाए तो आज अशोक तंवर के जबानी हमले की, तो हुड्डा की जो कल परिवर्तन रैली हुई थी उसको लेकर अशोक तंवर का कहना है कि यह अनुशासनहीनता है और हाईकमान से मिलकर इसकी जो है सारी जानकारी वहां रखी जाएगी। और हुड्डा सीधे रूप में जो घोषणा पत्र हुड्डा ने अपना जारी किया है वो पार्टी लेवल पर होना चाहिए, हुड्डा नहीं कर सकते, तो तमाम तरह के विरोधाभासी बयान है। कल की जो हुड्डा ने रैली की उसको लेकर पलटवार, जिसे सीधे रूप में कहा जा सकता है अशोक तंवर का, वो यहाँ रहा। बूथ सम्राट सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन उनका जब उनका जो केंद्रित जो उनका बयान था वो हुड्डा पर ही रहा। जी लेकिन अमित, क्योंकि इससे पहले गुटबाजी दोनों के बीच में जगजाहिर रही है, लेकिन क्या इस परिवर्तन रैली के जरिए जो हुड्डा एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इस कदम से क्या दोनों के बीच और तनातनी बढ़ जाएगी? जी निश्चित रूप से आपका सवाल जायज है शुभेंदु, क्योंकि जिस प्रकार की हुड्डा ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया है और इससे पहले अशोक तंवर पर जब कभी दिल्ली में हमला भी हुआ था और सिर में चोटें लगी थी, तब से उनके बीच जो खाई है वो गहरी होती जा रही थी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तिवारी इस जानकारी के लिए। तो ये हमारे संवाददाता इस पर जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे, दरअसल अक्टूबर में जनता जवाब देगी और ये इन बातों का जिक्र किया गया तंवर की तरफ से। दरअसल हुड्डा की परिवर्तन रैली जो की गई थी और उसमें जो विशेष तौर पर घोषणाएं की गई उनका जिक्र यहां पर किया गया, बताया गया कि ये जो किया गया हुड्डा की तरफ से इसको लेकर अनुशासनहीनता इसको माना जा रहा है और आला कमान तक इन बातों को पहुंचाया जाएगा।